भाई को देना था। तो ये जो है गाइस, ये है रिच रेड लाहौर, जो कि भाई काफी बिग साइज में है, देख सकते हो, और प्योर मार्किंग में है। और यहाँ पे एक अंडा दिया, और ये देखो कितना नरम है, मतलब बोल सकते हो यार कि भाई अंडा, अंडे का जो छिलका रहता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि भाई आप सभी भाई ठीक होगे और खैरियत से होगे। तो गाइस अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अभी मैंने अपने कबूतरों को नहीं खोला है। तो अभी भाई सुबह हो रही थी और मुझे आपको कुछ चीज़ें बताना है। जैसे कि सबसे पहले तो गाइस मैं आपको अपने लॉफ्ट की अपडेट दूंगा, क्योंकि लखा जो कबूतर हैं, जो कि अपन के न्यू फेंटेल पिजन्स हैं, वो दो तीन दिन से कटोरा जो मैंने बिछाया था तो उस पर बैठे हुए हैं। तो देखते हैं यार उन्होंने अभी अंडे दिए या नहीं दिए। और गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैं एक या दो वीडियो पहले येल्लो मुखी पिजन्स का पेयर लेके आया था, तो जो कि फीमेल है भाई वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो रही है, मतलब उसने दो एक दिन से दाना भी नहीं खाया है और काफ़ी बस कमर झुकाई झुकाई एक तरफ बैठी रहती है। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना आप लोगों को दिखा दूं। और भी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। और जो भी भाई मेरे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिएगा, इस सबसे पहले मैं अपने कबूतरों को खोल देता हूँ। आ जा। और गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि भाई मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेल वाले इतने कबूतर रह गए हैं, तो अब मैं आपको बताऊँ सिर्फ क्या क्या बचा है। तो सबसे पहले तो गाइस ये ब्लू बार वाला पट्टा था और इसके साथ जो ब्लैक था वो पट्टा बचा है, और अपनी लखा बची है। और उसके साथ जो एक बड़ा ब्लैक ब्रीडिंग पेयर था गाइस, वो भी सेल मतलब सोल्ड आउट हो चुका है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ बताऊं गाइस, ये जो मुखी फीमेल है जिसको मैंने कहा था मैं उस ब्लैक मेल से लगाऊंगा, जो कि अभी अपनी लखा से ही लगा हुआ है, तो अभी वो जहाँ भी जाता है ना ये बिल्कुल उसके पीछे पीछे जा रही है, मतलब फ़ौरन ये जोड़ लगाने को तैयार है। जैसे ही वो फीमेल सेल होगी तो वैसे एक दिन के अंदर ये फीमेल उससे जोड़ लगा लेगी, क्योंकि जहाँ भी वो मेल जाता है ऊपर जाता है, ऊपर चली जाती है, और वो अंदर जाता है ये फिर अंदर चली जाती है। तो मतलब इसको तो सिर्फ भाई अब मेल चाहिए जोड़ लगाने के लिए, तो इसको मतलब नहीं है आपको उसका मेल था नहीं था, एक आध दिन बहुत सदमे में रही, लेकिन उसके बाद से अभी ये गाइस इस ये रिजवान भाई वाले मुखी मेल के पीछे ही घूमती रहती है, देख सकते हो आप लोग। अभी ये उड़ेगा ना तो देखना फिर वो उसके पीछे ही उड़ जाएगी। एक बार उड़ा के बताऊँ, बस अभी अभी क्या है, अभी खोला है तो अभी भूखे हैं कबूतर, तो अभी सबसे पहले तो यार इनको दाना पानी करेंगे। और जैसे कि ये जो दो पट्टे थे गाइस, मैंने सोचा यार कल शाम को इनके पर खोल लूँ, तो पर भी खोल दिए। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई यार, मैंने कहा यार सिर्फ दो पट्टे हैं भाई, इनके ऊपर क्या वीडियो बना। तो देख सकते हो आप लोग भाई, एक तो ये पट्टा है और एक वो ब्लैक पट्टा है, तो इन दोनों के कल मैंने पर भी खोल दिए, मैंने कहा आप कहीं नहीं जाएंगे, देख सकते हो आप लोग। वैसे भी बस थोड़ा बहुत ही उड़ते हैं, इतने ज़्यादा उड़ते भी नहीं हैं। और सबसे पहले तो गाइस मैं आपको लॉफ्ट की भी अपडेट दे देता हूँ, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। और देख सकते हो अभी तो यार इन्होंने अंडा नहीं दिया है, जैसे कि मैंने सोचा था कि यार इनका इरादा तो लग रहा है भाई, जो नए फेंटेल हैं उनने अंडा दे दिया होगा, लेकिन अभी तक भाई इनकी पेटी खाली है। लेकिन भाई ये है कि इनने घोंसला ज़रूर बना के रखा है, तो देख सकते हो आप लोग। और ब्लू बार ने भी अभी तक नहीं दिया है, ब्लू बार के में भी गाइस मैंने कटोरा रख दिया, मुझे उम्मीद है भाई ये भी अब जल्दी अंडे देने वाली है। और इसमें ब्लैक मुखी रखेंगे ही अपन, और इसमें अभी रेड मुखी है तो खोले नहीं है मैंने। और इसमें भाई अपने रेड शिराजी प्यार है, उसके लिए भी मैंने अंडा रख दिया। मैंने कहा भाई अब तो टाइम आ चुका है ब्रीडिंग लेने का सभी कबूतरों से, और ये आ चुके हैं भाई ब्लू बार मेल, जो वापस चले गए। और भाई ये भी सही है, अभी ये भी अपने अंडे सेक रही है, जो कि मुखी का अंडा था, पता नहीं इसमें से बच्चा कब तक निकलेगा। और जो रेड मेल था ना गाइस, मैं अभी आपको बताता हूँ, इसका रेड मेल जो कि मैं कह रहा था भाई सेल हो चुका है, तो भाई वो सेल नहीं हुआ है, जिस भाई की मेरी बात हुई थी तो उन भाई ने कहा कि यार अभी मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है तो अभी मैं नहीं ले पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अब मैं ज़रूर सेल की वीडियो में बता दूंगा, आपकी वजह से मैंने काफ़ी वीडियो में बताया नहीं था, क्योंकि उनने यार बुक कर दिया था, तो मैंने कहा भाई पक्का नहीं दूंगा, लेकिन अब वो बोल रहा है कि भाई नहीं ले पाएंगे, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कौन सा मेल है। और एक और पेयर भी है गाइस जो कि सेल के लिए अवेलेबल है, तो अभी आपको वीडियो में पता चलेगा। और इसके भी यार अभी तक पता नहीं अंडे में से बच्चे क्यों नहीं निकले, इतने दिन हो चुके हैं ना ये चेक करने देती, बस हमेशा बैठी रहती है पूरे टाइम। और इनका भी एक बच्चा है यार, मुझे लग रहा है इनका अंडा भी अब तक शायद ख़राब हो गया होगा, अब तक तो यार उसमें से बच्चा निकल जाना चाहिए। और चलिए मुखी कबूतरों को भी यार खोल देते हैं, है ना दोनों? हाँ दोनों हैं यार, डर बना रहता है क्योंकि
ये देख सकते हो काफी फुर्तीले यार, इनको नहीं पसंद भाई, इनको कोई हाथ भी लगा है तो। देखो मैंने अभी इनको बाहर निकाल दिया है, और ये भाई ये आ गई फीमेल और ये आ गया भाई मेल। तो अब तो अभी तो थोड़ी ठीक है, नहीं तो यार कल तो इसकी भाई बहुत ही ज्यादा मतलब पूरी दुम झुकाई हुई थी, देख सकते हो अभी भी झुकाई हुई है और सुस्त भी बैठी हुई थी। अभी मैं दाना डाल के देखता हूँ भाई, ये अभी सुस्त बैठी हुई है और नहीं बैठ क्या या नहीं बैठी हुई। भाई एक और चीज आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी आपने थंबनेल भी देखा ही होगा, तो यार क्या हुआ कल शाम की बात है, ये एक अंडा दिख रहा है आपको, एक मिनट में आपको ओरिजिनल अंडा लाके बताता हूँ कबूतर का, और ये बताता हूँ फिर आप देखना। अंडा तो मेरे पास होगा ही, एक ग्रे बार का रखा ही था भाई ने। तो भाई ये रहा अंडा, देखना ये होता है भाई कबूतर का अंडा, जो कि थोड़ा हार्ड होता है। और भाई ये देख सकते हो आप लोग, कल यार पता नहीं किसी कबूतर ने यहाँ पे एक अंडा दिया, और ये देखो कितना नरम है, मतलब बोल सकते हो यार कि भाई अंडा, अंडे का जो छिलका रहता है वो सही से बन नहीं पाया। तो ये गाइस होता है भाई कबूतर में, कैल्शियम हुआ भाई उसमें, प्रोटीन हुआ, तो उन सब की जितनी भी विटामिन की कमी की वजह से गाइस ऐसा होता है। वैसे तो बच्चे नहीं बनते, जैसे कि इसमें आपने देखा भाई इसके अंदर नस नहीं बनी थी, ये ग्रे बार का अंडा है जो खराब हुआ था, मैंने हटाया था। तो यार इसमें क्या हुआ, एक का जो शेल है वो ही मजबूत नहीं बन पाया, और मैं अभी तक ये पता नहीं लगा पाया यार ये किस कबूतर ने अंडा दिया है यहाँ पर। कि यार देख सकते हो आप लोग उसमें, मतलब देखो ये बिल्कुल नरम सा रखा है, ये देख सकते हो बिल्कुल, ये देखो भाई सही हो गई, मुखी का है। गैस हो सकता है भाई कुछ, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कल यार इसकी दुम पूरी झुकी हुई थी। अच्छा फोटो देखो यहाँ पे, यहाँ मैं फोटो लगाता हूँ, आप फोटो देखो, कल मैंने लिया था जब मैं कबूतर नहला रहा था, देख लिया तो इतनी ज्यादा इसकी दुम झुकी हुई थी, तो मुझे लगा कि भाई हो सकता है ये अंडा देने वाली है, क्योंकि पेटी में भी बैठ रही, और हो सकता है भाई इसी ने अनफर्टाइल एग दे दिया हो, मतलब जगह बदलती है। एक अंडा दिया था तो मैंने इसकी वीडियो देखी थी जब मैंने इसको खरीद लिया था, उसके बाद ये यहाँ आ गई थी। हो सकता है भाई कहीं ना कहीं या तो कबूतरी घोल लेती है अंडा अंदर ही, या तो भाई इसने इस टाइप का अंडा दे दिया पूरा बनाया नहीं, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा 100%, यह हो सकता है भाई इनका हो। एक बार और ऐसा कर चुकी हैं जो हमारी रेड शिराजी फीमेल है, अयान भाई के घर थी जब उनने ऐसे ही अनफर्टाइल एग दिया था। और भाई दाना भी डाल दो एक बार, और अंडा और चेक कर लो। हाँ मुझे लग रहा है अब तक तो यार खराब हो गया, खराब है ना, खराब हो गया ना। चलो ये भी हटा दो फिर, देख लो अच्छे से, मुझे लगा था अच्छा भाई कुछ तो बना, लेकिन वो कुछ लग नहीं रहा उसमें, छील के देखेंगे, देखना अच्छे से चेक करना। तो गाइस देखिए यार अभी मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, भाई छील के देख रहा है, कुछ हुआ तो जरूर बताएंगे, नहीं तो भाई कुछ अगर गंदा हुआ तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। वो देख सकते हो यार कितने कम कबूतर लग रहे हैं, क्या पानी है गंदा, अच्छा बच्चा भी सही से नहीं बन पाया। तो गाइस देख सकते हो यार फिर से इनकी साथ हो चुकी है चोट, इतने दिन से बेचारे बैठे रहे। इनका अंडा रख दूं, इस सिल्वर ने जो एक और अंडा दिया था, क्यों चलो रहन दो फिर, ये भी हटा दो किसी काम का नहीं है, ये लो। तो गाइस भाई ये दोनों अंडे हटा दिए हैं, और इतने कम आपको भाई कबूतर लग रहे हैं, दाना भी डाल दो, डाल दो दाना। तो ऐसे देख सकते हो यार इतने कम आपको कबूतर लग रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि सेल वाले सभी सेल हो चुके हैं, सिर्फ दो पट्टे और ये लखा बची हुई हैं, तो ये भी भाई जल्दी सेल हो ही जाएंगी। तो देख सकते हो उसके बाद और कम कबूतर बचेंगे। और मैंने कहा यार आपको मैं बहुत बेहतरीन चीज़ बताऊं सेल की, तो अभी तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ये जो गाइस मैं पिंक फीमेल लाया था, पिंक नहीं ये सिल्वर है ना, तो ये सिल्वर फीमेल लाया था, ये सिल्वर फीमेल, और इसके साथ गाइस जो मैं पिंक मेल लाया था जो अभी प्रकाश भाई की यहाँ है, वो पिंक मेल, अगर फोटो या वीडियो हुआ तो मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगा। और आपने वीडियो देखी या नहीं देखी तो एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं जब लाया था अभी कम से कम एक वीक ही हुआ है, तो आप भाई वो वीडियो देख सकते हो। तो भाई ये जोड़ भी मैं हटाने का सोचा है, हम और भाई ने मिलकर डिसीजन लिया तो भाई हटा देते हैं, अब क्यों लिया क्या लिया तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन गाइस ये पेयर भाई अभी आपके सामने, इनने अंडा भी दिया परसों, इनने अंडा भी दिया था, तो ब्रीडिंग भाई 100% करेगा, मामा की यहाँ भी बच्चे कर चुका है, उनकी यहाँ से अंडे भी अपन लाए थे वो भी इसी के थे, लेकिन कुछ रीज़न है मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा।
तो गाइज ये पेयर तो मैं दे ही दूंगा, और उसके बाद भाई ये जो मेल है मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था भाई, वो भाई ले नहीं पाए जिन भाई को देना था। तो ये जो है गाइस, ये है रिच रेड लाहौर, जो कि भाई काफ़ी बिग साइज में है, देख सकते हो, और प्योर मार्किंग में है, और एंड तक के भाई इसके जो पर हैं वो रेड हैं। तो गाइस ये रेड हटाने का रीज़न ये है, मेरे पास ऑलरेडी एक रेड पेयर है पहले से ही, देख सकते हो कितना बेहतरीन रेड पेयर है। और इनका बच्चा भी गाइस, ये भी मेल है, तो ये भी भाई रेड ही है। और उसके बाद भाई एक तो चार हो गए, तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक किसी अपने सब्सक्राइबर किसी भाई को दे दिया जाए। तो यार देख सकते हो भाई इतनी बेहतरीन चीज़ है ये, पता है इन दोनों से अच्छा है कलर वाला, कलर वगैरह में, क्योंकि इनके एंड के पर भी वाइट हैं लेकिन उसके पर वाइट नहीं है। तो लेकिन ये भाई पेयर है पहले का, तो मैं पेयर ख़राब नहीं कर रहा, तो वो पेयर भी वो रेड भी गाइस मैं देऊंगा, जिसको चाहिए भाई वो ले सकता है। और इससे थोड़ा सस्ते में चाहिए तो गाइस वही ये सिल्वर वाली और वो पिंक वाला, तो वो भी आपने देख ही लिया, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप देख लेना, तो आप लोग वो भी ले सकते हो। तो आज फिर मैंने आपको तीन नए कबूतर गाइस सेल के बता दिए हैं, फिर और कम हो जाएंगे, और जितनी ज़्यादा जगह कम होती आएगी गाइस फिर मैं कुछ ना कुछ अलग से अलग लेके आऊँगा। तो देख सकते हो भाई सभी को दाना भी डाल दिया है, और वो अंडे का बताना था अंडे का भी बता दिया है। और भाई शायद मुखी अब सही भी हो गई, देखो दाना भी खा रही है। कल तक भाई इसके बहुत बुरे हाल थे, जैसे कि मैंने आपको फोटो दिखाया, तो शायद अंडा फंस रहा था इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन अभी भाई ये दाना पानी अच्छे से कर रही है, तो अच्छी अच्छी बात है भाई, चलो कुछ तो सही हुआ। तो यही सब बताना था आपको। तो गाइस आज की इस वीडियो में तो भाई बस इतना ही, और जैसे कि मैंने अभी आपको सिल्वर और पिंक का बताया मैं सेल कर रहा हूँ, वैसे मैं आपको उसी रेट में दूंगा जिस रेट में मैं खुद खरीद के लाया था। मैं एक भी रुपए आपसे ज़्यादा नहीं लूँगा, जिस रेट में मैं खुद लाया था अपने मामा से उतने ही रेट में आपको दूंगा। और आप लोग ये मत सोचना कि भाई कोई ख़राब चीज़ है इसलिए दे रहा है, जो क्योंकि गाइस आज तक मैंने एक भी ख़राब चीज़ है, एक भी ख़राब कबूतर किसी को भी सेल नहीं करा है, क्योंकि भाई मुझे पता है मेरी बात भी ख़राब होगी, और ये सही भी चीज़ नहीं है गाइस किसी को ख़राब कबूतर देना। कबूतर तो बहुत अच्छे हैं, और रेड कबूतर भी गाइस देने का है, तो आप लोग ने भाई देख ही लिया। तो ऐसी और वीडियोस चाहिए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज की इस वीडियो में तो मैंने काफ़ी कुछ अलग बताया, सिर्फ कहानियाँ ही सुनाई हैं, लॉफ्ट की अपडेट दे दी, और वो जो अच्छा है भाई मुखी कबूतरी सही हो गई। तो आई होप कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और देख सकते हो भाई सभी कबूतर बढ़िया दाना खा रहे हैं, और गिरे बार आके इसका वो चेक कर लेते यार, इसका और पता चलता फिर हटा ही देते।